और अब तो यह भी संसद में झूठ बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो हवाई जहाज में ही सोते हैं, और कहता खुद को चौथा खंभा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना, इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। नेशन वॉन्ट्स टू नो करते करते आए थे, अब आगे कहते हैं गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू नो। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। कि अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू की पेशकश की थी या उसको उसी तरह से रात में जगा के लाया गया था जैसे राज्यपाल को लाया गया था। आपका एक किसी पाकिस्तान के साथ फोटो खींच जाए तुरंत कहेगा कि जेएनयू वाला एंटी नेशनल हो गया। लेकिन ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल रोज पाकिस्तान के किसी आदमी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है, ये इनका देश प्रेम है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया चिंता नहीं, पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है उसकी चिंता है। तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप। अब रोज रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है तो उनका एक फोटो क्यों नहीं हम घर में लगा सकते हैं। आ रहे हैं तो रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हमारी सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं दिखाते। किसको कह रहे थे भाई? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। मीडिया की कल्पना में ये बात है कि वो मानवाधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंभा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। तो इस मीडिया ने हमारे भीतर की लोकतांत्रिकता को इतना खत्म कर दिया है कि हम अब चुप रहना सीख गए हैं और इतना डर गए हैं कि एक कवरेज से और एक लेख से हमें लगता है कि हमारा मुल्क भरभरा जाएगा। कोई खिलौना थोड़ी है कि कोई लेके चला जाएगा यहां से। ये जमीन तो यही रहने वाली है, हम रहें या ना रहें। लेकिन वो मीडिया अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सका कि आप हमें अंदर तक जाने दीजिए। डल लेक पर घूमकर आकर टेलीविजन में लोग नॉर्मल बता रहे थे। तो इस बात में भी आपका मीडिया जो है हिंदुस्तान का ये साबित हो गया कि ये आगे अब कभी लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है। ये खतरनाक औजार है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिए आप। जिस तरह से कश्मीर को लेकर इस मीडिया ने चुप्पी किया, डर गया, उसको लगा कि आईटी सेल हमला कर देगा, लोग हमला कर देंगे, लोगों में ये ओपिनियन है अजीब। पहले तो वो खुद ही मेजोरिटेरियनिज्म गढ़ रहा है और जब पूछने का आता है तो अपने ही गढ़े हुए बहुसंख्यकवाद से मेजोरिटेरियनिज्म से वो डर जाता है। तो वो खत्म हो गया, वो आपको खत्म करने चला था और खुद को खत्म हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्णब गोस्वामी और देशमुख जी दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैंने लगा इस सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। जब आप विवेक खो देते हैं तो आप हरकतें करते हैं, बातें नहीं आपके पास करने के लिए। इतनी उग्रता किस बात के लिए भाई, किस बात के लिए तुम देश में इतनी उग्रता, इतना आक्रोश भर रहे हो? इतना ठंडा प्यारा अच्छा सा देश है ये, इससे खूबसूरत कोई और मुल्क नहीं है। लेकिन अभी ये विश्व गुरु नहीं है, 5 साल में जो इन्होंने यूनिवर्सिटी की हालत की है उसे तो नहीं लगता कि इनका प्रोजेक्ट विश्व गुरु बनाने का है। और अब तो ये भी संसद में झूठ बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो हवाई जहाज में ही सोते हैं। अगर मीडिया होता तो वो पूछता कि भाई अमेरिका में के तो होटलों के नाम हैं, फ्रांस में भी हैं, अमेरिका में 3-3 बार होटल में ठहरे, कौन से देश में ऐसी नौबत आ गई? मतलब ठीक है हम खराब ऑडिटोरियम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे सोए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम देंगे खर्चा उनके होटल में रहने का, हम लोग देंगे। फीस नहीं है तो क्या हुआ, स्मार्टफोन तो है ना, अपना बेच दीजिए, उनके होटल का खर्चा दे दीजिए। कुछ भी बोला जा रहा है,
और कुछ भी बोला जा रहा है लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बीच में अब मीडिया का फिल्टर नहीं है। सीआरपीएफ आ गई है? नहीं, कोई बात नहीं, वो जवान बाद में मुझे ही व्हाट्सएप करेंगे, सर सैलरी मिला, मेरा टॉयलेट का फोटो देख लो। तो इस तरह से आप मीडिया के स्ट्रक्चर को देखिए कि आज जो हो रहा है। न्यूज 18 के एक प्रोमो में एक एंकर कह रहा है कि मेजॉरिटी अब तक चुप थी। कब चुप थी भाई? तुम आज एंकर बने हो, तुम्हारा आज प्रोमो बना है, और तुम ऐसे कह दोगे प्रोमो में कि मेजॉरिटी चुप थी हिंदुस्तान की? कब चुप थी? लेकिन वो प्रोमो में कह रहा कि मेजॉरिटी अब तक चुप थी, अब बोलेगी। देखिए कितना कितनी डरावनी बात है कि किसी देश का मीडिया अगर मेजोरिटेरियनिज्म का ऐलान करे, डरना चाहिए दोस्तों, सोचना चाहिए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। 4.5% जीडीपी के अलावा इसका कोई रिजल्ट निकल रहा है? उस मेजॉरिटी के ही लड़कों की नौकरियां जा रही हैं, लड़कियों की नौकरियां जा रही हैं, और उनके ही बच्चे जो हिंदी प्रदेश के ज्यादातर बच्चे हैं, उनको ना अच्छा स्कूल मिल रहा है, ना अच्छा कॉलेज मिल रहा है, और ना अच्छा अखबार मिल रहा है। एक ही मौका था उनके पास, प्लेटफॉर्म था कि ये मीडिया हमको बताता है, कम से कम हमको स्कूल में मास्टर नहीं मिला, प्रोफेसर नहीं मिला, तो अब वो अखबार भी उसको अंधेरे में रखने का काम करता है। तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए, तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज चैनलों में नहीं रहता है, वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता, और जिसके बगल में इस यूनिवर्सिटी में तोप रखने की वकालत करने वाला कोई रिटायर्ड फौजी भी नहीं होता है। अगर इस तरह से कॉलेजों में टैंक रख दिए जाएं, तो दुनिया भर की सेना के बैरक खाली हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपकी बैरक में बदल जाएगी और बैरक में यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ जाएगी। उन सिपाहियों की कोई हमदर्दी नहीं है, उन सिपाहियों की तकलीफ के बारे में यह मीडिया बात नहीं करता, कभी उनके घरों में नहीं जाता कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी सैलरी के साथ क्या हो रहा है, वो मच्छर और मलेरिया से मर जा रहे हैं, उनकी बात नहीं करता है। लेकिन उनका इस्तेमाल करके एक तरह का एक मेजोरिटेरियनिज्म आप पे थोप रहा है। ये उदाहरण बार बार बता रहे हैं कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना, इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। तो अगली लड़ाई अगर आपको इस लोकतंत्र को बचाने की है, या अपने भीतर लोकतांत्रिकता को बचाने की है, तो आपको इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है, तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं, तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई, इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंकरों की भाषा, आप उस भाषा को कभी एनालिसिस कीजिए, ये पूरा एंटी विमेन लैंग्वेज है, पैट्रियार्की का लैंग्वेज है, जो चीख कर बोल रहा होता है। नेशन वॉन्ट्स टू नो करते करते आए थे, अब आके कहते हैं गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू नो, भाई कमाल है। तो वो भाषा को देखिए और उसके व्यवहार को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म, इसलिए कहता हूं भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है, हम सब ने इसको कई मोर्चे पर अर्जित किया है। दलितों ने अपने लिए एक अलग मोर्चे पर इसे अर्जित किया, अल्पसंख्यकों ने अर्जित किया, सबने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़कर इस लोकतंत्र में कुछ ना कुछ अर्जित किया है, और उस सारे अर्जित लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये इनकी भाषा बदली है, जिस भाषा में हिंसा है, देह भाषा में भी हिंसा है। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था, तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो खिंचा रहे हैं इस भारत में। और जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं,
उनको नजर नहीं आया, उनको लाइसेंस की बात नजर नहीं आई। ये जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का एनबीएसए, उसको इसमें गलत नजर नहीं आया कि एक न्यूज चैनल का एडिटर जो है वो तलवार लेकर डिस्प्ले कर रहा है? तो ये चुप्पी क्या कह रही है? या तो वो दौर आ गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, या उसके लाने की तैयारी हो रही है, आधी मील वो क्रॉस कर चुके हैं। तो इसलिए आप देखिए कि किस तरह से ये एंकर लोग हरकत कर रहे हैं। घुड़सवार बन के आ जाएंगे जेएनयू के बाहर, कहेंगे आ गए हैं हम तलवार लेकर, और पगड़ी पहन लेंगे, कहेंगे कि हम छठी सदी को जेएनयू के हमला करके जिंदा करने वाले हैं। ऐसे ही वो हिस्ट्री को रिक्रिएट करते रहते हैं। तो जुबान सांप्रदायिक और पितृसत्तात्मक हो गई है, पेट्रियार्की हो गई है। एक क्राइसिस तो होता है, जैसे आप लोग यहां जमा हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे लोग जमा होते हैं। लोग चाहिए ना दिखाने के लिए, टीआरपी चाहिए, ये सब चाहिए। तो उनके लिए भी आईटी सेल एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक तरह का एक दर्शक सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो समर्थकों को कहता है कि आप यही देखिए, ये मत देखिए। तो उनको भी एक सोशल इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया गया उन एंकरों का, कि तुम बाहुबली हो लेकिन डरने की बात नहीं है, हमारे देश में बाहुबलियों को इज्जत मिलती है। वो चुन सकते हैं कि इस टेलीविजन और अखबारों के जरिए आवाज उठाने वालों को जो सामान्य सवाल है, यही सवाल है ना कि आप कौन से होटल में नहीं रुके थे, कहां पैसा नहीं था, किस एयरपोर्ट पे आपको रात सोनी पड़ गई थी, तो ये सब सवाल तो कोई खतरा में नहीं है, इससे तो उनके 20 साल राज करने के सपने पर कोई असर नहीं पड़ता, ये सब मासूम से सवाल है। लेकिन आप पूछ दीजिए तो कहेगा आप एंटी मोदी हैं, आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी इंडिया हैं। तो इस तरह से चीजें आपको बताई जाती हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि पहले ये जो मीडिया था अपने आप को फोर्थ स्टेट कहता था, लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अब फोर्थ स्टेट का पार्ट नहीं है, ये डीप स्टेट का पार्ट है। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो शनिवार की सुबह सिर्फ ANI वहां नहीं होता जहां राज्यपाल शपथ दिला रहे थे। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो आपको औपचारिक रूप से पता होता कि अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू की पेशकश की थी, या उसको उसी तरह से रात में जगा के लाया गया था जैसे राज्यपाल को लाया गया था। और आपको एक बेसिक बात पता होती कि इस इंटरव्यू को किस चैनल के क्रू ने रिकॉर्ड किया, कहां पर यह एडिट हुई, कुछ पता नहीं है। और ANI के जरिए इसे जारी किया जाता है, सभी चैनलों पर इसको दिखाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है तो वो दिखाना ही पड़ता है, दिखाने में वो बात नहीं। लेकिन ये बना कैसे, इस सवाल का आधिकारिक रूप से हम जवाब नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? एक तो वो इंटरव्यू ही इंसल्ट था भारत की जनता पर, चुनाव के बीच में हल्के फुल्के नेताओं के इंटरव्यू होते रहते हैं, होते भी रहना चाहिए, तभी उसी में पता चलता है बहुत सारी चीजें। लेकिन बीच चुनाव में, और उसको बड़े बड़े एंकर कह रहे थे कि ये मोदी जी का मास्टर क्लास है और इनको विपक्ष को क्लास लेना चाहिए, सिखाना चाहिए। जिस एंकर को यह पूछना चाहिए कि इंटरव्यू कहां से आ गया, इसका कॉस्ट क्या है, इसकी लागत क्या है, कौन लोग थे। तो इसीलिए अब ये मीडिया जो है वो डीप